सब्सक्राइब कीजिए डेली ट्रेंडिंग न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले पाने के लिए। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी आज यानी 19 अप्रैल को 62 साल के हो गए हैं। दुनिया के अमीर लोगों में शुमार मुकेश अंबानी को बर्थडे से पहले दो बड़े गिफ्ट मिले हैं। आज हम इस रिपोर्ट में इन दोनों गिफ्ट्स के बारे में जानकारी दे रहे हैं। क्या है पहला गिफ्ट? मुकेश अंबानी को पहला गिफ्ट रिलायंस इंडस्ट्रीज के कारोबार के नतीजों के जरिए मिला है। रिलायंस इंडस्ट्रीज को वित्त वर्ष 2018-19 की चौथी तिमाही में शुद्ध लाभ 9.8% बढ़कर 10,362 करोड़ रुपए हो गया है। ये निजी क्षेत्र की किसी भी भारतीय कंपनी के द्वारा अर्जित किया गया सबसे ऊंचा तिमाही मुनाफा है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड RIL के मुताबिक कच्चे तेल शोधन और पेट्रो रसायन कारोबार में कमजोर प्रदर्शन के बावजूद खुदरा और दूरसंचार कारोबार में अच्छी वृद्धि से कंपनी को ये मुनाफा हुआ है। यही नहीं, जियो के ग्राहकों की संख्या 30 करोड़ पर पहुंच गई है। RIL ने पूरे वित्त वर्ष 2018-19 में 39,588 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ और 6,22,809 करोड़ रुपए का कुल कारोबार किया है। क्या है दूसरा गिफ्ट? इससे पहले बीते बुधवार को टाइम मैगजीन ने मुकेश अंबानी को खास गिफ्ट दिया है। दरअसल मैगजीन ने दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में मुकेश अंबानी को शामिल किया है। टाइम मैगजीन के लिए मुकेश अंबानी का प्रोफाइल महिंद्रा समूह के चेयरमैन आनंद महिंद्रा ने लिखा है। महिंद्रा ने कहा कि अंबानी के पिता धीरूभाई अंबानी भारतीय उद्योग जगत में एक दूरदर्शी उद्योगपति के रूप में जाने जाते हैं, लेकिन मुकेश अंबानी का नजरिया उनके पिता की तुलना में अधिक महत्वाकांक्षी है। वो अपने हर पहल की शुरुआत अपने पिता के आशीर्वाद से करते हैं। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। डेली ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।